हेलो हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे खासे होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। अभी 5:30 होने वाले हैं शाम के, तो मत करना, मत कर रही हूँ। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं 5:30 से स्टार्ट कर रही हूँ। छोटा सा ब्लॉग होगा शायद, थोड़ा सा मौसम अभी मतलब गर्मी से थोड़ी राहत है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अब तक आप ये देख सकते हैं कोको, ये देख कौन है यहाँ कौन है बेटा। तो ये अभी तक आज मैंने इसको अपने बिस्तर में सुलाया था अपने साथ में, क्योंकि अच्छा हुआ इसकी किस्मत अच्छी थी। आज गए थे कोको को, आज वो होते ना मतलब शाव बोलते हैं वैसे पहाड़ी में, तो वैसे बताने क्या बोलते हैं उनको। तो वो दो आए थे यहाँ पे, हम यहाँ पे रहता है हमारा ये बाहर पे, कभी यहाँ पे ऊपर बैठा रहता है और वैसे अंदर रखते हैं हम रात को। तो अभी दिन में हम ऐसे खुला ही रखते हैं उसको, भी बात देते हैं। तो हमने ऐसे रखा हुआ था, तो हमको पता नहीं था कि मतलब वो आएगा ले आएगा, तो मैं तो अंदर सोई थी। तो अभी उठ रही हूँ मैं, मतलब एक बार मैं घास रख के आ चुकी हूँ, उसके बाद सोई भी बारी 4:00, फिर 4:00 सोई मैं। आज दिन में नहीं सोई थी क्योंकि आज हमने घास सुखाने डाली थी, तो बारिश का मौसम हो गया था, तो हमको घास और बांधनी पड़ रही थी। तो उन्होंने सासू माँ ने बांधी थी, मैंने इधर उधर से इधर रखी मैंने। तो अभी मौसम मतलब बहुत अच्छा हो गया है, देखने लायक है, और बिल्कुल फीलिंग इतनी अच्छी आ रही है, और गर्मी से इतनी राहत है कि पूछो मत। ठीक है, और इसको देखो पूछू कर दो बेटा, नहीं नहीं गोदी में नहीं, गोदी में नहीं, गोदी में नहीं, गोदी में नहीं। इन्हें बड़ी होकर गोदी बैठने के लिए कैसा कर रही है देखो ये। और ये देखो, ये मेरा मेरे कोको आ गया। कोको कोको देखो, इन लोग लड़ाई नहीं करते हैं यार, इनको पता लग गया ना। ऐसे दोनों साथ में बैठे देखो, ये तो सुबह शाम इनकी मस्ती देखो, टाइम पास हो जाता है जब फ्री है। तो अब काम का सीजन आने वाला है, तो इनको देखने का मौका नहीं मिलेगा, ये इधर चले गया। तो तब मैं आपको दिखाऊंगी कितने धान होते हैं हमारे, और लोग खेत में कैसे काम करते हैं पहाड़ के, हमारे पहाड़ के। तो मैं आपको दिखाऊंगी, इसको देखो, कल एक चुन्नी फाड़ी है इसने भी, और एक चुन्नी और फाड़ी वहाँ खाती है। तो अच्छा, उसको आज मैं लेगी अपने साथ सुलाने के लिए, वरना आज का स्वर्गवास हो गया था। तो इसकी थोड़ा भी अभी और दाने पानी बचे होंगे इसके, तो ये बच गया, ये बच गया, अरे बच गया, ऐसे कैसे करेंगे। हेलो हेलो हेलो, कुछ नहीं मिलाती है सर, देखो पुसू देखना, तो इनको ऐसे करो तो ये ऐसे कर दे, देखना अभी गर्दन ऊपर को करता है, देखो ये खुजली करने के लिए। ये आ गया, ये सोच रहा है इसको क्या दे दी है, अचानक की खाने की भैया है। ये देखो ऐसे करती है, इसको यहाँ पर अच्छा लगता है, ऐसे करने के लिए बोलती है। तो भी आज काफ़ी बारिश हुई है, और हमने भी आज कद्दू की सब्जी बनाएंगे हम शाम को। तो कद्दू तोड़ा हमने, कहा एक कद्दू हो रहे हैं आज कल, दिखाऊंगी हमारे कद्दू हो रहे हैं, एक दो लग रहे भी, तो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी कद्दू। तब तक इनको देखो, काको जी खाने की चाहिए तुमको, खाने की चीज चाहिए, हट इसको देखो, लेकिन इनकी उठती लग रही ना, इसके कारण बस्ती रखा है। इसको देखो, इसको देखो, इसको सोच रही, सोच रहे ए तेरा यहाँ मत जा, हट मेरे बाद में, दोनों को देखो यहाँ बैठ। तो पहले पहले लड़ रहे थे, अब नहीं लड़ रहे हैं, धक्का चलना ले आ रही हो, हटे ये भाई, ये फाइन नहीं मानना सर, मर बत्तीस ही जान सब। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम, ठीक है, कि आज का मौसम कैसा हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ छत से, पहले यहाँ से दिखाऊंगी बाहर से, और देखते हैं कि आज सब्जी में भी शायद कद्दू बनेगा, कद्दू तोड़ा मैंने,
तो मैं आपको दिखाऊंगी कद्दू कितना बड़ा है। अभी एक दो वहाँ पे और एक छोटा छोटा है, एक थोड़ा बड़ा है, तो अभी उसको नहीं खाएंगे। और लौकी मैं आपको डेली दिखाती हूँ, मतलब जब भी ब्लॉग शूट करती हूँ तो अभी तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। तो मैंने अभी शादी एल्बम भी दिखाना है आप सभी के साथ शेयर करना है, तो अभी करेंगे जैसे टाइम मिलता है, मतलब मैं भूल जाती हूँ, कभी लाइट चली आ रही है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा मौसम है आज का, आप लोग देख सकते हैं। मैं दिखाती हूँ शॉर्ट में छोटा सा व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है? तब बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ, स्किप ना करें। तो इसको देखो क्या कर रही है, ओ इसको देखो क्या कर रही है, ए कोको कक। हेलो बेटा, हेलो कर दो बेटा, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, ये देखा, हेलो कर दो, हेलो कर दो बेटा, हेलो हेलो कोको, हेलो 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 नहीं करिए, हेलो। तो मैं आपको दिखाती हूँ बिल्ली को, देखो ये चली गई है, हरी हो, देखो लौकी देखो हमारी पड़ी हुई नीचे गिर गई हो, तो पूरा एरिया हमारा ही है, आप लोग देख सकते हैं। ये जाल सूख गए हैं हमारे, इस समय भी हो रहे हैं, देखो एक और था यार, कहाँ गया वो, उधर कोने में देखो चुंगरी में, ये देखो आप, आपको दिखाती हूँ मैं कद्दू, ठीक है? कद्दू दिखाती हूँ मैं आपको, हट रे आ, ए टाइट हो गया है मेरे। तो आप लोग देख सकते हैं मौसम, देखो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया ये, देखो हॉली हॉल है ये, देख सकते हैं आप लोग, ये देखो देखो आसमान में देखो बादल कैसे हैं, घनघोर बादल छाए हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, और अच्छा लगेगा आपको इन दोनों को भी देखो, ये पुशु ये देखो लड़ाई भी करते हैं कभी कभी, दो तो अच्छा लगता है। अभी देखो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, ये हो चुका है, ये काफ़ी अच्छा हो गया देखो ये, ठीक है? तो बारिश अभी देखो, वैसे तो हरियाली अभी इसको काटने का सीजन है अभी, सो दो महीने लगते हैं काटने में, एक डेढ़ महीना, तो ये सब सफाई हो जाएगी तब देखना ठंडा स्टार्ट होने लगता है ये, ठीक है? और छत से भी इसका बहुत प्यारा व्यू दिखता है, जाती हूँ छत में भी तो छत से भी दिखाऊँगी आप लोगों को। तो पहले दिखाते हैं आपको कद्दू, ठीक है? कद्दू दिखाते हैं, ये देखो काफ़ी ओश हुई है अभी बारिश से, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, भारी मात्रा में बारिश हुई यहाँ पे, अभी बारिश हो रही है, ये देखो ये क्या है ये, वाओ कद्दू, ये देखो आप लोग कैमरा ज़्यादा जूम कर दिया, शायद कद्दू बड़ा हो गया, कद्दू कद्दू ये है, और एक वो हो रहा है देखो, उंगली लगाते एक वो हो रहा है, अभी काफ़ी हो रहे हैं, अभी बाद में दिखाऊंगी आपको, हमारा सब एरिया हमारा ही है ये, इधर इधर लौकी के कल काफ़ी हो रहे हमारे आजकल। तो और क्या, तो एक देखो ऊपर बैठा है इतना बड़ा, पहली इतना बड़ा बैठा है, देखो कैसे देख रहा है चोर की तरह, हम मैं दिखाते हो कुछ छत से, ठीक है? कौन छत से आएगी, कोको के लिए आते हैं छत में, छत से कितना अच्छा महसूस है, खीरा को दिख रहे पड़गाँव में,
दिखाऊंगी कि यहाँ पे हमारे घर पहाड़ में लोग कैसे काम करते हैं कितनी मेहनत से, मतलब रोपाई लगा के फिर ये 2-3 महीने का वेट करना पड़ता है धान की खेती के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे कितना धान होता है, काफ़ी मतलब यहाँ पे काफ़ी तालाब क्षेत्र है, तालाब है तो उपजाऊ भी है, उपजाऊ में कम होता है, तालाब में यहाँ पे धान और गेहूँ वगैरह होते हैं, तो अभी तालाब में ही है वो धान तो रोपाई लगाई है। तो अब देखते हैं कि 2 महीने का फल कैसा होता है, मतलब कैसे धान होता है, अगर वो जो भैंस जैसा होता है ना, बरहा बोलते हैं उसको, अगर वो नहीं आया तो सुअर, वैसे बरहा बोलते पहाड़ी में, तो अगर सुअर नहीं आया तो मतलब खेती का जो है नुकसान नहीं होगा, मतलब कि इतना किया तो नहीं कुछ हाथ नहीं आया ये नहीं होना चाहिए। तो मतलब देखते हैं मतलब कितना मिल रहा है खेत से हमें, मतलब हमारे तो होते ही लगभग धान काफ़ी हो जाता है, तो हमारे 3-4 खेत हैं, आपको दिखाऊँगी जब हमारे धान बनाई होगी कितने लोग हैं हमने लगाए हैं मानने के लिए और कितने हम मान रहे हैं और कितने हुए हैं वो भी दिखाऊंगी, और कैसे मानते हैं और कैसे उनको उनकी सफाई करते हैं और कैसे पराल लेके आते हैं, मैं आपको सब दिखाऊंगी छोटा सा व्यू करके, मतलब छोटा सा शॉर्ट वीडियो। तो आजकल तो बस घास काटने का होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए बाबा, तो अभी मैं बैठी बाहर पे, तो मौसम देख लीजिए आप, काफ़ी अच्छा मौसम है, हो रखा है आप देख सकते हैं, इसको हो गया ठंडा क्योंकि मैं छत पे लगी थी ना, तो ये बिस्तर में बैठने के लिए बोला, लेकिन बिस्तर में नहीं क्योंकि ये भी टॉयलेट कर देते हैं, पता है अभी सुनने बिस्तर में टॉयलेट कर दिया था, मैं डांट खाती उसे चक्कर में मैं नीचे, तो आज इसका भी इसको खा लेते वो, तो वो अभी आते तो इसको खा लेते। अच्छा मैं इसको अपने पास लेगी सुनाने के लिए, ठंडा हो रहा है इसको वहाँ पर, अच्छा से सोता है, लेकिन क्या करते हैं टॉयलेट तो कोई बात नहीं, पॉटी कर देगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है बिस्तर में, तब बैठ धोना पड़ेगा मुझे, चद्दर तो साफ़ कर लूँगी लेकिन बेड पूरा वो निकालना पड़ेगा उसका, ख़राब हो जाएगा बेड, तो ये ख़राब कर देगा ना, मैं इसकी गर्दन कुछ 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 कि देखो कैसे करा, मच्छर हो रहे हैं, अब चलते हैं किचन की तरफ, ठीक है। तो सब्ज़ी काट लेते हैं, अभी काफ़ी जल्दी है, बट फिर भी कर लेते हैं, लाइट नहीं आई है, तो इसको मैं भी अंदर ले जाऊँगी क्योंकि इसको कोई ले जा लेगा खा लेगा इसको, अभी आया था तो इसको इसको अंदर ले जाती हूँ, जो भी करेगा जैसा भी करेगा ले जा लेते हैं, तो इसको बाथरूम बंद करेंगे अभी,
चल चल, तुम बाहर ही रहो। हाँ आप बाहर ही रहो, आपको अंदर अलाउड नहीं है। इसको है चुकंदर को अलाउड है ना अंदर, तो भी चलते अंदर। शायद लाइट आ चुकी है, तो अब मुझे क्या कहना था, तो शांति की वीडियो भी दिख पाएगी क्या, मतलब सॉरी एल्बम, देखते हैं कितना होता है। ये देखो अभी दिखा दूँ बैक कैमरा करके, ये देखो मैंने इसको सुलाया था, कैसा हाल बना रखा है इसने बिल्कुल एकदम। इधर आ कोको, इसको बाथरूम बंद करना पड़ेगा या कहीं रखना पड़ेगा वरना ये परेशान कर देगा। तो यहाँ पर देखो इसने सब यहाँ अलमारी में जाके कपड़ों में चले जाते हैं, उनको बंद करना पड़ता है अलमारी। वो वहाँ तो मैं पहुँचू नहीं पाती, उतनी बड़ी नहीं हूँ मैं। अभी देखो कपड़े रखे हैं, इनकी तह लगानी है, ये धोई थी मैंने। तो अभी ये दिखा दूँ क्या एल्बम, इधर आ, तो भी एल्बम दिख जाएगा ना। तो अभी दिखा दूँ क्या एल्बम, टाइम क्या हो गया, हाँ 7:45 से रुक गया, दिखाती हूँ एल्बम ठीक है। तो सब्जी भी काटनी थी कद्दू की, तो ठीक है एल्बम कल किस में दिखाएंगे ठीक है। तो अभी अब मैं जाती हूँ किचन के लिए ठीक है। इसको देखो लाइट ऑफ, लाइट ऑफ, इसको देखो, इसने मेरे जूते का जो जिबड़ा है, जीभ है जूते का, इसने सब आधे आधे पीछे से खा दिया। ये ऐसे करता है, देखो ये देखो ऐसे करता है, क्या कर रहा है। ए तभी लाइक तेरे को उधर में थप्पड़ खाते फूट जैसे निकल ऐसे, तेरे खोपड़ी बजा दूंगी हर ऐसे। डेली के सूझे खराब कर देगा क्या खाना चाहिए, मैंने खा ठीक है, मैंने खा थोपा थोप 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 थोप, फिर पट्टा नहीं मारू तुम्हें थोकूंगा भैया भैया। तो कह रहे गंदगी का खाना मैं सलाह दे दिया है, हम चलते हैं किचन की तरफ, इसको डाल देते हैं बाथरूम में वरना ये बहुत परेशान करेगा। इस बाथरूम में रखते हैं इसको, तो ये छोटा वाला बाथरूम है हम इसको रखते हैं। देखो मैंने सुबह दिया था आपको, ये छोटे वाले बाथरूम हम इसी में पहनेंगे ठीक है। तो इस सारे बाथरूम में, छोटा सा बाथरूम में इसको ये रखते हैं हम, बड़े बाथरूम में ये सब वहाँ सब कर दिया खराब। तो ये रखते हैं इसका बिस्तर, इधर आ इधर आ, बोला ना वहाँ मत जा तो नहीं जा ठीक है। इसका बिस्तर ये है, मतलब चादर टाइप का, चादर को बिछा दे तुम इसी में ले गए रात को। पहले पहले बहुत परेशान किया इसने, पता है कहीं, अब तो ये अच्छे से बैठे बासी वो मिलते हैं बिड़ाओ। तो मैं रखूंगी तो ये ही रहेगा, ये नहीं आएगा। ए हमें अब देखो पता है रुकता है तो कोई अपने आप होता है, खाली परेशान करता है, बाहर भी कोई खा लेगा इसको, उसका चिकन हो जाएगा आज का। तो लाइट चला लेती हूँ, बनते हैं जैसा हो गया। तो अब मैं जाती हूँ किचन में, अब हम मतलब क्या लेंगे सब्जी ठीक है। तो एल्बम का प्रोग्राम मैं कल का रखती हूँ, देखती हूँ कैसा होता है टाइम वहाँ पर ठीक है। तो बाहर तो इतना ज़्यादा देखो, तो मैं सब्जी मतलब कट कर लेती हूँ बनाने का जो भी होगा। तो ऐसे सब्जी बनाती हूँ लेकिन अभी कभी कभी मैं बना लेती हूँ, क्या दिखना है एक है ना। आई चाय भी पी, चाय पीने का मन कर रहा था क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा है, तो फिर चाय पीने का मन भी कर रहा था, तो मैंने चाय भी पी ली। तो मैं कटूंगी कद्दू ठीक है। तो ये है गाइस कद्दू, आज इसकी कटिंग होगी, इसकी सब्जी हम खा लेंगे और यहाँ डालेंगे पेट में ठीक है। चुप मोबाइल लगा, वो लग रहा है ऐसे करते हैं। चुप रोती लीजिए, तैयार हो तू यहाँ लीजिए ना, चलो सब खराब हो गया। तो प्याज इसको भी काटेंगे, प्याज
इतनी टाइट है संग तेरे सेना जी, मैं ता तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सेना जी, जो जग से कहां ना जाए वो मुझ कर दो। मैंने कर दो, कट कर दिया। देखो तो मैंने कट कर दिया, यहाँ छोटा लहसुन कट कर दिया। और ये है कढ़ाई, आज बड़ी वाली कढ़ाई बनाएंगे हम। ओके, और ये है चिमनी, तो मैं इसको ऑन कर लूँगी पहले ही। ठीक है, ये ऑन ऑफ वाला है, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये ऑन किया, माइनस में देते हैं फिर। ठीक है, लाइट जल गया। अब मैं यहाँ पे इसमें डालूँगी तेल, तो तेल डाल के फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि तेल की मात्रा तक मैं तो कद्दू में तेल ज़्यादा तेल लगे तब कद्दू तेल की जो कद्दू है तेल में ही पकता है। तो ये तेल है, मैंने डाल दिया है। तो आज हम बनाएंगे क्या, कद्दू की सब्जी। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैं करूँगी इसको ऑन, गैस ऑन नहीं किया था मैंने, गैस ऑन कर लेंगे। मैं कभी आज की जरूरत है, गैस ऑन हो चुकी है, तेल गर्म है। अरे फुला के रखा है, बाद कम कर दूँगी। कद्दू पानी नहीं डालता एक तो कद्दू का। तो करछी बढ़िया निकालूंगी आज में, तो करछी ये मेरी करछी है। ठीक है, और आप निकालते हो मसाले का डब्बा। तो ये है मसाले का डब्बा, तो हम मसाले का डब्बा खोल देंगे। ये पहले इसमें डालेंगे जीरा, उसके बाद फिर और मसाला। तो हम इसमें डालेंगे पहले जीरा, जीरा डालेंगे इसमें, जीरा के बाद फिर डालेंगे लहसुन और थोड़ा सा प्याज। ठीक है, फिर इसके बाद डालेंगे मसाले। मसाले पकने के बाद हम कद्दू डालेंगे, जितना ज़्यादा तेल होगा तो कद्दू की सब्ज़ी उतनी टेस्टी होती है। ठीक है, तो तेल गर्म हो रहा है, तो मैंने पे एक किला जलाई है। तो बारिश की वजह से ज़्यादा लग रहा टाइम, बट टाइम उतना नहीं हुआ है। तो फटाफट बना लेते हैं, आटा भी गूंथ लेंगे। ये देखो इतनी भी ये माश की दाल भी और इतनी बच्ची टूटनी है, बाहर ही रखी हमें। हम जाते हैं किचन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर तीन दरवाजे हैं, एक बैक साइड है, ये बैक साइड वाला दरवाजा हमारा, वो फ्रंट वाला है, यहाँ से कोई हमेशा मतलब वो घर के सामने ही वाला यहाँ से आने वाला। ठीक है, यहाँ की लाइट जला लेते तब आपको दिखेगा। ठीक है, ये फ्रंट वाला दरवाजा हमारा ये है। अभी हमने आज का मोडो ऑर्डर रखा है, तो इसलिए ऐसी रुपये यहाँ पे रखा है। ये हमारा ये वाला जो दरवाजा है, देखो यहाँ पे कुत्ता रहता है इस वाले बाथरूम में। और ये हमारा बाहर इधर से लेफ्ट साइड को एक दरवाजा और है बाहर निकलने के लिए। और ये फ्रंट है, मैंने आपको दिखाया फ्रंट वाला दरवाजा है। ठीक है, तो और ये वाला है बैक वाला दरवाजा है बैक साइड का। और ये हम बाथरूम में हमारा दिखाती हूँ बट। ठीक है, ये वॉशिंग मशीन है। और ये एक बाथरूम यहाँ हमारा ये वाला है बाथरूम हमारा एक। ठीक है, लाइट का ऑफ कर देती हूँ अभी, क्योंकि अभी उजाला है काफ़ी मैंने दिखाने के लिए किया था। तो गैलरी यहाँ पे किचन में बहुत ठीक है, हम होते हुए हो गए क्या अभी हुआ नहीं है, क्योंकि उसका सरसों का तेल है ना, तो सरसों का तेल है तो इसलिए थोड़ा तेल ज़्यादा गर्म होना चाहिए, तो तब थोड़ा मतलब वो कच्चे की बदबू भी आती है इसलिए। तो मैंने सब रेडी है मेरा, तो
मैंने आटा गूंथ दिया है, देखो थोड़ा सा ऐसे गोल गोल करना है भी और बराबर है। और सब्ज़ी मैंने चढ़ा के गैस पर देखी जाती हूँ पकी हुई पकी है। तो तब तक के लिए बाय बाय, आप मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मैं बोले तो मुझे आप लोग सपोर्ट बहुत ज़रूरी है प्लीज़। इतनी सी रिक्वेस्ट है, इतना सा टाइम निकाल के आप मेरी वीडियो देखें और कमेंट करें। कुछ भी पूछना है या कुछ फीडबैक है या कुछ कुछ भी है तो आप लोग मुझसे मतलब मेरे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय बोलूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मैं अपने ब्लॉग में पेंट करती हूँ, तो आज मैंने जल्दी सब सब्ज़ी भी और आटा भी गूंथ दी है। तो फिर तेल जलाने के बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी। फिर टाइम है, हम 9 बजे तक खाते हैं वैसे तो 9 बजे तक खाते हैं, लेकिन आज वैसे बना मतलब सब तो रेडी है, लेकिन रोटी बाद में बनाऊँगी जब खाएंगे गर्म गर्म तभी बनाऊँगी। तो फिर भी अभी थोड़ा तो फ्रेंड लोगों से बात करूँगी इससे। तो ब्लॉग पे अटेंड करूँगी।